जंगल झूमे सहरा महके, एक अरब जब उर्दू बोले। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी जबां की है। आइए दोस्तों, अब जिस शायर की ख्वाहिश उन्होंने नीरज साहब ने की है, मैं वो इस तंजीम के सदर भी हैं, बहुत अच्छी शायरी करते हैं, महाराष्ट्र स्टेट अकेडमी का साहित्य अकेडमी भी उन्हें मिला हुआ है, और ज़्यादा तारीफ़ करूँगा तो ये समझोगे आप कि मैं फिर से डर गया हूँ, लेकिन वाकई में मैं दिल से तारीफ़ कर रहा हूँ, और ये बहुत अच्छे शायर हैं, और मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। और नहीं, वो ये कहना चाह रहा था कि थोड़ा सा मुख्तसर पढ़िएगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि कहने के बाद उसका अंजाम क्या होगा, तो मैंने कहा कि बाद में रख लेते हैं अंदर, ये समझ लेते हैं मेरी बातों को तो। लेकिन आइए सर। हाँ, अगर गुफ्तगू मुख्तसर रखोगे रंजीत तो कलाम भी मुख्तसर होगा। दोस्तों, जो हमारा जश्न अदब का पैगाम है, उस हवाले से एक मतला और एक शेर और फिर एक नई गज़ल के चंद अशआर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल उसी पे आ रहा था। अर्ज़ किया है कि छुप के सीने में एक आग सी तो रहे, छुप के सीने में एक आग सी तो रहे, शहर जाम में कहीं रोशनी तो रहे, शहर जाम में कहीं रोशनी तो रहे, यह है दौरे हवस, दौरे हवस एज ऑफ ग्रीड, यह है दौरे हवस, लेकिन ऐसा भी क्या, यह है दौरे हवस मगर ऐसा भी, लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। वाह। आदमी कम से कम आदमी तो रहे। और एक ताज़ा गज़ल के चंद अशआर देख लीजिए। अर्ज़ किया है कि धोखा हर एक बार नया उनसे खाइए, धोखा हर एक बार नया उनसे खाइए, धोखा हर एक बार नया उनसे खाइए, कब तक यहाँ पे खूने तमन्ना जलाइए। वाह। कब तक यहाँ पे खूने तमन्ना जलाइए, और जब तक वजूद अपना न खो दें हकीकतें, जब तक वजूद अपना न खो दें हकीकतें, हर रोज़ एक नई ही कहानी सुनाइए। वाह वाह। हर रोज़ एक नई ही कहानी सुनाइए, और शेर के मिटता नहीं अंधेरा मिटाने से भी अगर, मिटता नहीं अंधेरा मिटाने से भी अगर, मायूस हो के आप ना दीपक बुझाइए। वाह वाह वाह। मायूस हो के आप ना दीपक बुझाइए, दीपक बुझाइए, और कर दें ना बेलिबास कहीं आपको शहा। शेर देखिए, कर दें ना बेलिबास कहीं आपको शहा, सादा दिलों को और ना पागल बनाइए। वाह। सादा दिलों को और ना पागल बनाइए, और नक्शे पे ज़मी के दिखाएं कहीं पे हम, नक्शे पे इस ज़मी के दिखाएं कहीं पे अमन, मंजर जले कटे ना ये हर दिन दिखाइए। वाह क्या अच्छा। वाह वाह। मंजर जले कटे ना ये हर दिन दिखाइए, और लेकर ज़रूरतों को भी मिलने लगे हैं लोग, लेकर ज़रूरतों को भी मिलने लगे हैं लोग, लेकर ज़रूरतों को भी मिलने लगे हैं लोग, अपने ताल्लुकात को मत आजमाइए। वाह वाह। अपने ताल्लुकात को मत आजमाइए, और ये शहर वो है जिसमें मुखौटों का है चलन, ये शहर वो है जिसमें मुखौटों का है चलन, किस किस को आप आईना हर दिन दिखाइए। वाह। किस किस को आप आईना हर दिन दिखाइए, आदि हैं लोग झूठ के फिर भी है ये सवाल। वाह। आदि हैं लोग झूठ के फिर भी है ये सवाल,
कब तक कहानियों पे कहानी सुनाइए, कब तक कहानियों पे कहानी सुनाइए, और इसमें ही आफियत है, इसी में सुकून है दिल, इसमें ही आफियत है, इसी में सुकून है दिल, खालिद किसी के बनिए या अपना बनाइए, खालिद किसी के बनिए या अपना बनाइए। और एक मुख्तसर सी गज़ल के चंद अशारे देख लीजिए कि कितने किरदार एक कहानी से, कितने किरदार एक कहानी से रूठ जाते हैं बदगुमानी से, रूठ जाते हैं बदगुमानी से, और गर्दिशे वक्त शुक्रिया तेरा, गर्दिशे वक्त शुक्रिया तेरा, हम निकल आए खुशगुमानी से, हम निकल आए खुशगुमानी से, गर्दिशे वक्त शुक्रिया तेरा, हम निकल आए खुशगुमानी से, और यूं तो ये भी है बेवफा फिर भी, यूं तो ये भी है बेवफा फिर भी, इश्क कर अपनी जिंदगानी से, इश्क कर अपनी जिंदगानी से, और वो सरापा उभरता रहता है, वो सरापा उभरता रहता है, वो सरापा उभरता रहता है अपनी यादों से हर निशानी से, अपनी यादों से हर निशानी से। और कुछ तो मेयार ज़िंदगी भी हो, रंजीत सुनो, कुछ तो मेयार ज़िंदगी भी हो, यूं तो लगते हो ख़ानदानी से, कुछ तो मेयार ज़िंदगी भी हो, यूं तो लगते हो ख़ानदानी से, और नस्ल नौ को कहानियां न सुना, नस्ल नौ को कहानियां न सुना, ये न बहलेंगे राजा रानी से, ये न बहलेंगे राजा रानी से, और रात दिन खुद से ही सवालो जवाब, रात दिन खुद से ही सवालो जवाब, रात दिन जंग जिंदगानी से, रात दिन जंग जिंदगानी से, हाल अच्छा है या बुरा खालिद, हाल अच्छा है या बुरा खालिद, सब उसी की है मेहरबानी से। शुक्रिया, सब उसी, वाह, बहुत शुक्रिया खालिद साहब। एक मुख्तसर सी गज़ल इन्होंने सुनाई, मैं बताऊँ बहुत अच्छी शायरी करते हैं, और लेकिन लंबी गज़लें होती हैं, कभी कभी 6 किलोमीटर निकल जाती हैं, तो बड़ा संभालना पड़ता है। आइए दोस्तों, मैं आपको एक शायर से, एक कवि से तारुफ कराने जा रहा हूँ। आप यकीन जानिए, अगर उस शख्स को सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बस आप उसको सुनते रहें। मैंने जब पहली बार उन्हें सुना तो बस आंखों में आंसू थे और उनकी बात थी। मैं गुजारिश करता हूँ रमेश शर्मा जी से कि तशरीफ़ लाएँ, चित्तौड़गढ़ से तशरीफ़ लाए हैं। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने, आप में से बहुत से लोगों ने उन्हें सुना भी होगा। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें, जनाब रमेश शर्मा। कवि की नायिका की शिकायत उससे कि आप ये क्या लिखते रहते हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जी। क्या लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, चांद की बातें करते हो धरती पर अपना घर ही नहीं, रोज बनाते ताजमहल संगमरमर क्या कंकर ही नहीं, सूखी नदियां नाव लिए तुम बहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, चांद की बातें करते हो धरती पर अपना घर ही नहीं, रोज बनाते ताजमहल संगमरमर क्या कंकर ही नहीं, सूखी नदियां नाव लिए तुम बहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही। पंक्तियां देखें,
आपके दीपक शम्मा चिराग में आग नहीं पर जलते हैं, आपके दीपक शम्मा चिराग में आग नहीं पर जलते हैं, अंधियारे की बाती सूरज से सुलगाने चलते हैं, आँच नहीं है चूल्हे में पर काख में सूरज दाबे हो, आँच नहीं है चूल्हे में पर काख में सूरज दाबे हो, सीले घुटन भरे कमरे में वेग पवन का थामे हो, ठंडी मस्त हवा हो तो भी दहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही। कवि की नायिका कहती कि आपने खूबसूरती को झील पर टहलते, छत पर जुल्फें सुखाते लिखा, लेकिन आपने ऐसा नहीं लिखा। चंचल चंद्रमुखी चावल से कंकर चुनते नहीं लिखी, चंचल चंद्रमुखी चावल से कंकर चुनते नहीं लिखी, परी को नल की लंबी कतार में स्वेटर बुनते नहीं लिखी, चंचल चंद्रमुखी चावल से कंकर चुनते नहीं लिखी, परी को नल की लंबी कतार में स्वेटर बुनते नहीं लिखी, पाँव धसे दल दल में पतंग सतरंगी उड़ाते फिरते हो, पाँव धसे दल दल में पतंग सतरंगी उड़ाते फिरते हो, दिन दिन झड़ते बाल बिचारे जुल्फे गाते फिरते हो, खड़ा हिमालय बातों का कर ढहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही। पंक्तियां देखें, ठोस कदम की बातें करते कठिनाई से बचते हो, ठोस कदम की बातें करते कठिनाई से बचते हो, बिना किए ही मेहनत के तुम मेहनत के छंद रचते हो, सारी दुनिया से रूठे हो कारण क्या कुछ पता नहीं, सारी दुनिया से रूठे हो कारण क्या कुछ पता नहीं, भीतर से बिखरे टूटे हो कारण क्या कुछ पता नहीं, प्रश्न बड़े हैं उत्तर जिनके कहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही। आखिरी पंक्तियां देखें, वो कहती है, कभी कल्पना लोक से निकलो सच से दो दो हाथ करो, कभी कल्पना लोक से निकलो सच से दो दो हाथ करो, कीचड़ भरी गली में घूमो फिर सावन की बात करो, कभी कल्पना लोक से निकलो सच से दो दो हाथ करो, कीचड़ भरी गली में घूमो फिर सावन की बात करो, जहाँ आई पड़े हुए गालों को गाल गुलाबी लिख डाला, झाई पड़े हुए गालों को गाल गुलाबी लिख डाला, पत्र कोई आया ही नहीं पर पत्र जवाबी लिख डाला, पत्र कोई आया ही नहीं पर पत्र जवाबी लिख डाला, छोटे दुख भी भारी करके सहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते 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 हो यूं ही। मैं एक साधारण सी आम सी लड़की का गीत आपके सामने रखना चाहता हूं। जब गरजे तब बरसे नहीं उस शाम सी लड़की थी, जब गरजे तब बरसे नहीं उस शाम सी लड़की थी, उहापोह के निकले हुए परिणाम सी लड़की थी, गीत में जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की थी, गीत में जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की थी, जब गरजे तब बरसे नहीं
ही उस शाम सी लड़की थी, उहा पोह के निकले हुए परिणाम सी लड़की थी। गीत मैं जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की थी। सादगी देखें, परी न चंदा मृग नैनी ना रूप की राजकुमारी सी, कल कल नदिया ना ही अप्सरा ना सुंदर फुलवारी सी। परी न चंदा मृग नैनी ना रूप की राजकुमारी सी, कल कल नदिया ना ही अप्सरा ना सुंदर फुलवारी सी। कलाकार की कल्पित रचना मैं नाना अमुराई की, मस्त ठुमकते सावन जैसी ना चंचल पुरवाई सी। लीपे आंगन पर मांडे चित राम सी लड़की थी। गीत मैं जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की थी। सादगी देखें, दो के पहाड़े जैसी सीधी एक से दस तक गिनती सी। अरे बाप, दो के पहाड़े जैसी सीधी, हाय हाय। दो के पहाड़े जैसी सीधी एक से दस तक गिनती सी, पहली कक्षा के बच्चे की विद्या माँ से विनती सी। आहा, दो के पहाड़े जैसी सीधी एक से दस तक गिनती सी, पहली कक्षा के बच्चे की विद्या माँ से विनती सी। चूल्हा चौकी झाड़ू बर्तन बचपन से ही बोझ लिए, चित्र कथा की पुस्तक थी वो माँ के हाथों छिनती सी। आधे वाक्य के आधे वाक्य के आगे पूर्ण विराम सी लड़की थी। आधे वाक्य के आगे पूर्ण विराम सी लड़की थी। गीत मैं जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की थी। पंक्तियां देखें, मोहल्ले की हलचल पर वो करती नहीं थी परिचर्चा, मोर सनर्तन भौरे गुनगुन तितली सीना दिनचर्या। कुछ नाम देखें आप, रजनी गंधा जूही केत की अनुकंपा ना जिज्ञासा, श्वेता मुक्ता युक्त ताना ही क्षमा विभाया ऐश्वर्या। रजनी गंधा जूही केत की अनुकंपा ना जिज्ञासा, श्वेता मुक्ता युक्ता नाही क्षमा विभाया ऐश्वर्या। सीता गीता मीरा जैसे नाम सी लड़की थी। गीत मैं जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की थी। गीत मैं जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की थी। गीत की आखिरी पंक्तियाँ देखें, सादगी देखें, गीत की आखिरी पंक्तियाँ। मोहल्ले की गंधों का ना मादकता का उत्तेजक एहसास जगे, भाव भंगिमा नहीं कैसी कंठ सुखाती प्यास जगे। गंधों का ना मादकता का उत्तेजक एहसास जगे, भाव भंगिमा नहीं कैसी कंठ सुखाती प्यास जगे। ताजमहल पर रुके चांद का चित्र न दिखा उसमें तो, मैं क्या बोलूं देख के उसको मुझ में क्या आभास जगे। तेज बुखार के बाद हुए आराम सी लड़की,
तेज बुखार के बाद हुए आराम सी लड़की थी। गीत में जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की थी। जब गरजे तब बरसे नहीं उस शाम सी लड़की थी। उहां पोह के निकले हुए परिणाम सी लड़की थी। गीत में जिसके गाता एक आम सी लड़की। वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। अभी हमें मनोज मुंतशिर को सुनना है। इन्होंने बहुत सारे गीत आपके फिल्मों में लिखे जो आप गुनगुनाते रहते हैं। गलियां मैं फिर भी तुम्हें तुमको चाहूँगा, बाहुबली के गाने और डायलॉग लिखे हैं। बहुत डिमांडिंग हैं इस वक्त पूरी फिल्म इंडस्ट्री में। तो हाँ, बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं, डिमांड में है, इसलिए यहाँ रिमांड में इनको लाया गया है। तो और जिसके बगल में बैठे उन पर ये चीज़ सूट करती है बिल्कुल। तो आइए दोस्तों, जब इसके बाद मैं एक शायर से दरख्वास्त करता हूँ जो जिसको मैंने जलंधर में सुना था, जी एस औलख। और ये हिंदी था, और हिंदी के बाद ये जो उर्दू का आप एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, एक ट्रांजिशन जो देखेंगे, ये अलग तरह का है। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ जी एस औलख साहब को आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरत ज़दा होंगे। जनाब जी एस औलख। एक मतला चांदा शार समात फरमाए कि मन की झील में तंज का पत्थर, मन की झील में तंज का पत्थर, चोट एहसास के तारों तक। मन की झील में तंज का पत्थर, चोट एहसास के तारों तक, दर्द की लहरें दर्द सुनाने पहुंची दूर किनारों तक। शुक्रिया। दर्द की लहरें दर्द सुनाने पहुंची दूर किनारों तक, बच के रहना। शेर देखिए कि बच के रहना धूल से अब जो पांव तुम्हारे छूती है, बच के रहना धूल से अब जो पांव तुम्हारे छूती है, पहुंचे देखे हाथ हैं इसके लोगों की दस्तारों तक। पहुंचे देखे हाथ हैं इसके लोगों की दस्तारों तक। और ये मैं मीडिया का एक जो आस्पेक्ट है सुना, मुकम्मल तौर पर तो नहीं कह सकता, ना कहूँगा ही, सुना है सुना है कि एक मुर्दा तितली का फोटो, एक मुर्दा तितली का फोटो यूं मकबूल हुआ औलख, पागलपन सा छाया देखा टीवी से अखबारों तक। पागलपन सा छाया देखा टीवी से अखबारों तक। और एक और मतला चांदा शार के आंधियां हैं बर्क दुश्मन है तो है, आंधियां हैं बर्क दुश्मन है तो है, शाख नाजुक पर नशे मन है तो है। शाख नाजुक पर नशे मन है तो है, तो है। शाह साहब के शेर देखें, क्यों करें मिन्नत किसी बेहिस की हम, क्यों करें मिन्नत, क्यों करें मिन्नत किसी बेहिस की हम, बेहिसी से अपनी अनबन है तो है। वाह। क्यों करें मिन्नत किसी बेहिस की हम, बेहिसी से अपनी अनबन है तो है, है तो है। और एक गजल जैसे मुझे सुना है, तरन्नुम में अर्ज करता हूँ, गजल का मतला मुलाहिज़ा फरमाएं। ये दिल जब मुझे गुनगुनाने लगे, वाह, ये दिल जब मुझे गुनगुनाने लगे, गुनगुनाने लगे,
हंसाते हंसाते रुलाने लगे। वाह। हंसाते हंसाते रुलाने लगे। रंजीत भाई जी उषा, मेरा अज़्म शीशे का घर तो नहीं, मेरा अज़्म शीशे का घर तो नहीं, ये क्यों जश्न पत्थर मनाने लगे, ये क्यों जश्न पत्थर मनाने लगे। और शेर मुलाहिज़ा फरमा लें, हमें झट समझने का दावा न कर, हमें झट समझने का दावा न कर, जमाने को इसमें जमाने लगे। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जमाने को इसमें जमाने लगे, हमें झट समझने का दावा न कर, दावा न कर, जमाने को इसमें जमाने लगे। वाह। और ये जी एक ख्वाहिश देखें कैसी है, मिटे या वो पहने लिबास मजाज़,